हेलो दोस्तों, जब भी आप रात को आसमान में ऊपर की ओर देखते होंगे तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि यह आसमान कितना बड़ा है, इसमें कितनी सारी गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं। यह ख्याल आपके मन में कई बार तो आया होगा। इतना ही नहीं, आप अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी सोचते होंगे कि हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे कि आप भविष्य में ऐसे ऐसे फैक्ट जान सके। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में सूर्य तथा उसके 8 ग्रहों सहित बहुत सारे उल्कापिंड, धूमकेतु, उपग्रह, बौने ग्रह शामिल हैं। आपको अपनी पृथ्वी कितनी विशाल लगती है तो, लेकिन ये सौर मंडल के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और 4था सबसे छोटा ग्रह है। हमारी अर्थ है वो पूरे सौर मंडल का मात्र 1.03% मास ऑन करती है। वही बात करें सौर मंडल की सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम की रेडियस 1.413 बिलियन किलोमीटर है। यानी इसे अगर आम भाषा में देखा जाए तो जो सौर मंडल है उसकी त्रिज्या 14,300 करोड़ किलोमीटर है, जो इसको 28,600 करोड़ किलोमीटर का डायामीटर प्रदान करती है। यानी कि हम अगर लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम के एक छोर से दूसरे छोर पर जाना चाहें तो हमें लगभग 110 दिन का टाइम लगेगा। सूरज की रोशनी को सूरज से पृथ्वी तक पहुँचने में मात्र 8 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर लाइट है उसकी चाल 3,00,000 किलोमीटर/सेकंड होती है। अगर हम लाइट की स्पीड से सूरज के सौर मंडल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो भी हमें 110 दिन का टाइम लगेगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि सौर मंडल कितना बड़ा है। यदि हम सौर मंडल की परिधि की बात करें तो वो 89,804 करोड़ किलोमीटर की है। यानी जो सूरज का जो सौर मंडल है उसका एक चक्कर 89,804 करोड़ किलोमीटर का है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि जो हमारा सौर मंडल है वो कितना एरिया कवर करता है। तो दोस्तों ठहरिए, रुकिए, कहीं जाइएगा मत, हम आपको ये भी बताएंगे कि सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कितना एरिया कवर करता है। अभी ने जाना था कि जो सौर मंडल है उसकी रेडियस वो 14,300 करोड़ किलोमीटर है। इस हिसाब से अगर हम सौर मंडल को एक वृत्त मानकर चलते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर ये वैल्यू इस सूत्र में पुट करते हैं तो सौर मंडल का क्षेत्रफल 64,21,00,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर का निकल कर आता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि सौर मंडल कितना बड़ा है। उसमें हमारी हैसियत एक पूरी पृथ्वी पर एक चींटी के बराबर भी नहीं है। तो दोस्तों ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।